साथियों, बहुजन क्रांति के आगाज के साथ में एक नई पहल करते हुए बहुजन क्रांति के एक नए आगाज में एक नई शुरुआत आज हुई है। देश और प्रदेश के बिगड़ते हालातों का चिंतन करते हुए, समाज में व्याप्त कुरीतियों का स्मरण रखते हुए और इस समाज में बहुजन समाज की विकृत स्थिति और बहुजन समाज में फैले कुप्रचार और बहुजन समाज के प्रति जातियों के आधार पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया है बहुजन मोर्चा के नाम से, जो एक नए आगाज के साथ में इस प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र में बहुजन समाज को जगाने का कार्य करेगा और बहुजन समाज को एकत्र करने का काम करेगा। जैसा कि विगत वर्षों में देखा हुआ है और हम सब लोग देख रहे हैं कि समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे बहुजनों का शोषण किया जा रहा है, हमारे साथियों का शोषण किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है और देश में संप्रदाय समानता भाईचारे का माहौल दिनों दिन बिगड़ रहा है। उस बिगड़ते हुए माहौल के खिलाफ और बहुजनों को एक रूपता देने के लिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समानता के स्वरूप को समतामूलक समाज में बदलने के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया और इस संगठन को हम ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खड़ा करेंगे। यह बहुजन समाज, बहुजन मोर्चा तमाम समाजों को इकट्ठा करके देश के तमाम दलितों, मजलूमों, गरीबों, किसानों को एक करके उनकी वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और देश को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। अनेकों संगठन हमारे देश में चल रहे हैं, बहुजनों के नाम पर चल रहे हैं, उन सब संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं। हम भी समाज के बीच में जाकर समाज की लो जलाकर और समाज में क्रांति की लो जलाकर बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और लड़ाई हमारी जो है सड़क से संसद तक जाएगी। हम कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जहां बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए हम कोई कोताही बरतें। हमारा जो संगठन है ये सामाजिक संगठन है, हम सामाजिकता के रूप में समाज के बीच में जाएंगे। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है और ना हमें किसी रूप से राजनीति में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन सामाजिक होने के नाते हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है कि हम समाज के मूल अधिकारों के लिए अपने समर्थित समाज को, समर्थित विचारधारा को आगे लाने का प्रयास करें और उसी प्रयास में जो हमारे विचारधारा के उत्प्रोत होगी, जो हमारे विचारधारा के समर्थक होगी और जो बहुजनों के हित के लिए लड़ेगी हम उसका साथ देंगे। श्रीमान जी, इस समय जो देश के और प्रदेश के जो हालात हैं आप सब देख रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल, प्रदेश में अराजकता का माहौल। पिछले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में इतने बलात्कार, इतने गैंगरेप, सामूहिक दुष्कर्म किए गए हैं और सैकड़ों हत्याएं, मर्डर ये कहें कि खुलेआम गुंडागर्दी के तहत मर्डर हुए हैं, उन सबको देखते हुए आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रदेश में हो रहे इतने खुराफात के बावजूद भी कुछ संगठन बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, रोड पर आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम जो है हम रोड पर आएंगे और इनका पुरजोर विरोध करेंगे और हम मांग भी करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि वो जिन्होंने बहन बेटी के नारे के साथ में इस प्रदेश में सत्ता हासिल की, हमारी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने शपथ ली, वो शपथ वो निभाने में असमर्थ रहे हैं। या तो वो लॉ एंड ऑर्डर लागू करें, बहन बेटियों को सम्मान दिलाएं, नहीं तो नैतिकता के आधार पर
उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम बहुजन मोर्चा खाली राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम समाज में जन जागृति लाने के लिए आए हैं। बाबा साहब ने जो तीन नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हम सर्वप्रथम शिक्षा पर फोकस करेंगे, घर घर जाकर बाबा साहब के संविधान को, कानूनी मान्यताओं को और शिक्षा से जुड़ी जो हमारे लोगों में जो शिक्षा को लेकर भ्रांति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में जो अशांति है, शिक्षा क्षेत्र में जो भ्रांति, हमारा समाज शिक्षा को नहीं पा रहा है। इतना सब कुछ आरक्षण हो जाने के बावजूद भी हम लोग वंचित रह जाते हैं कहीं ना कहीं किसी एजुकेशन के माध्यम से। हम उन सब लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, उन्हें समर्थवान बनाने का प्रयास करेंगे। जहां किसी बच्चे को स्कॉलरशिप की आवश्यकता होगी उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने का प्रयास करेंगे, अपने माध्यम से भी देंगे और समाज के माध्यम से और समाज के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी उनको लाभान्वित कराने का काम करेंगे। हमारा पहला टारगेट शिक्षा में सर्वोत्तम अंक लाना होगा। मैं विजेंद्र भारतीय, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मोर्चा, आज ही कार्यकारिणी का गठन बहुजन मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदत्त निमेश जी के द्वारा गाज़ियाबाद की भूमि पर एक नया आगाज बहुजन समाज के लिए एक संगठन देकर के किया गया है। और विजेंद्र भारतीय शुरू से ही बहुजन समाज की आवाज़ बन करके निरंतर समाज के साथ आवाज़ उठाता रहा है और आवाज़ उठाता रहेगा। बहुजन मोर्चा समाज के लिए, समाज की जो आज दुर्दशा है उस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया है। जहां बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और जहां कोई संगठन या कोई रिप्रेजेंटिव पर्सन वहां नहीं पहुंच पा रहा है, वहां बहुजन मोर्चा पहुंचेगा। विजेंद्र भारतीय के नेतृत्व में हमारी टीम पहुंचेगी, पीड़ित व्यक्ति को या किसी भी बहन को तत्काल न्याय दिलाने के लिए संघर्षशील रहेगी। और ऐसी मैं कामना करता हूँ अपने समस्त भीम सैनिकों से जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभिन्न जिलों में निरंतर कार्य कर रहे हैं और बहुजन समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसे अपराधों की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज ही मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और मैं शुरू से ही संघर्षशील रहा हूँ समाज की समस्याओं के लिए, समाज के उत्थान के लिए। ये समस्या अकेले प्रतापगढ़ की नहीं है, ये समस्या पूरे देश के अंदर है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार, उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। समाज के अंदर संगठन बनाने की बात नहीं है, संगठन तो रोज़ बनेंगे और बनने भी चाहिए। समाज के लिए जितना संघर्ष अभी भी हो रहा है ये भी कम है। मैं मानता हूँ जहाँ भी अपराध होता है उस अपराध को तुरंत हमें समाप्त करना है, ऐसे अपराधियों पर नकेल कसनी है और सोई हुई सरकार को जगाना है जिससे कोई दूसरा अपराधी पैदा ना हो, उत्पन्न ना हो। बहुजन मोर्चा ने आज ही मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी अपराध होगा वहाँ हम लोग पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए भी हम संघर्षशील रहेंगे। अभी 10 दिनों में अभी आपके गाज़ियाबाद में ये घटना है कि महिला के ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसे जलाने की कोशिश की, हालांकि वो ज्वलनशील जो
देखिए, अभी ये 3 दिन पहले की खबर है जो अभी आप बता रहे हैं। ये हमारे ही समाज की बहन है अमृत कौर, और परसों ही मैं अपने बंधु पत्रकार बंधु सुबोध जी के साथ में अपनी पूरी टीम के साथ उनसे मिलकर के आया हूँ, और उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि जो भी अपराधी है, जिसने भी ये घिनौना अपराध किया है, वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। और ये इस कार्य पर मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से लग चुकी है। गाज़ियाबाद के एसपीसीटी श्लोक कुमार जी से मेरी कल ही वार्ता हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, 3 दिन का उन्होंने मुझे समय दिया है। 3 दिन में अगर पुलिस कोई तत्परता के साथ में कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो एक बड़ा आंदोलन मैं गाज़ियाबाद में छेड़ने जा रहा हूँ, बहन अमृत कौर को इंसाफ दिलाने के लिए।